दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर कांग्रेस के भीतर कलह पैदा हो गया है। हारने के बाद भी कांग्रेस खुश है। पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपना खाता खोलने में नाकाम रही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली के लोगों को सैल्यूट किया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन पर निशाना साधा। चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी जीत हुई और धोखेबाज की हार। दिल्ली के लोग, जो कि भारत के सभी हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बीजेपी के ध्रुवीकरण, विभाजनकारी और खतरनाक एजेंडे को हरा दिया। लेकिन कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उनके इस ट्वीट को लेकर उन पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कई ट्वीट करते हुए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी और एकजुटता की कमी के कारण ये शिकस्त हुई है। हालांकि चुनाव के पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में कांग्रेस केजरीवाल को फायदा पहुंचाने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार नहीं कर रही थी। तमाम स्टार प्रचारकों के बाद भी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था, और अब कांग्रेस नेता अपने हार को भी जीत मान रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को खत्म होता देख गदगद है। अगर कांग्रेस के नेताओं का यही हाल रहा तो कांग्रेस के लिए किसी राज्य में सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और फिर अगले साल बंगाल में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस को नकारा है, उससे बीजेपी इन चुनावों में कांग्रेस मुक्त का नारा बुलंद करेगी। दिल्ली में बीजेपी की हार जरूर हुई है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी की वोट शेयर 8% बढ़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी ने 62 सीटों पर जीत के साथ लगातार तीसरी बार वापसी की है। बीजेपी का दिल्ली में बनवास और बढ़ चुका है, लेकिन इस हार में भी बीजेपी के लिए खुशखबरी छिपी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जहां दिल्ली में पत्ता साफ हो चुका है, वहीं भगवा दल के वोट शेयर में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली के नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बीजेपी भले ही बुरी तरह चुनाव हार गई हो, लेकिन उसने ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त बनाई है और उसका वोट शेयर बढ़ा है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने इस बार 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी का 63 सीटों पर वोट शेयर बढ़ा है। 20 सीटों पर बीजेपी ने 2015 चुनाव की तुलना में 10% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कई और ऐसे सीट हैं जहां बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन वोट शेयर की बात करें तो 38 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी आप का वोट शेयर घटा है, जबकि 2015 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। ऐसे में ये साफ है कि जनता का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस के वोट आप को ट्रांसफर होने की वजह से बीजेपी उम्मीदवारों की हार हुई है। मुस्लिम आबादी वाले सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोटों में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता था, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोट शेयर बढ़ने के बाद भी सीटों में तब्दील नहीं हो सका और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की हार में जहां खुशखबरी छिपी है, वहीं केजरीवाल के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है जबकि आपका वोट शेयर कम हो रहा है, और अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो इसका सीधा नुकसान केजरीवाल को होगा। दिल्ली का चुनावी दंगल अब खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव के बाद अब बीजेपी हार पर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से गर्व महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी की हार हुई है। बहरहाल दिल्ली हारने के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से पार्टी जवाब मांग रही है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से जवाब मांगा है। ऐसे में मनोज तिवारी का अध्यक्ष पद से विदाई तय माना जा रहा है। नड्डा ने तिवारी को तलब करते हुए उन्हें यह बताने को कहा है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी जीत क्यों नहीं दर्ज कर पाई। हालांकि खबर तो यह भी है कि मनोज तिवारी ने हार के बाद ही इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें फिलहाल पद पर बने रहने को कहा था। नड्डा फिलहाल मनोज तिवारी के साथ पार्टी की हार को लेकर विश्लेषण करेंगे और फिर मनोज तिवारी की विदाई होगी। इसी बीच अब बीजेपी में इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कई नेताओं के नाम पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता के अलावा वेस्ट दिल्ली से सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता प्रवेश वर्मा का नाम भी अध्यक्ष पद के दौर में शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फैसले लेने में देरी नहीं करते। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में नई टीम लाने का यही सही समय है, इसलिए बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली में नई टीम बनाकर अभी से ही केजरीवाल को घेरने की तैयारी शुरू की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा था कि झारखंड की तरह ही मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में देखने को मिल सकता है। केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में पार्टी नेता गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में किसी मुख्यमंत्री या अन्य राज्य के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल दिल्ली तक सीमित रहेगा। केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बीच शपथ लेंगे। ऐसे में मोदी विरोधी उन तमाम नेताओं को जोर का झटका लगा है जो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि केजरीवाल के शपथ समारोह में फोटो सेशन करवाकर अपने अपने राज्यों में दिल्ली से ये संदेश भेजे कि बीजेपी की हार की शुरुआत हो चुकी है। शरद पवार और ममता बनर्जी ये सोच रहे थे कि केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह का इस्तेमाल करके मोदी के खिलाफ एक विपक्षी मोर्चा बनाई जाए ताकि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को घेरने में आसानी हो, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें झटका देते हुए अकेले चलने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने के लिए अन्य पार्टियों से बातचीत करेंगे। बहरहाल केजरीवाल के जीत के बाद मोदी विरोधी नेताओं के मन में जो लड्डू फूटा था उसकी हवा केजरीवाल ने 24 घंटे में ही निकाल दी। बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने जिस अंदाज में अपना जलवा दिखाया है उससे ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। ममता बनर्जी की गढ़ बंगाल में अब बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। इसका ट्रेलर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में दिखा दिया था और अब अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी को सियासी फिल्म दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी का अब एक ही नारा है कि जैसे लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में हाफ हुई है, वैसे ही बंगाल विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। और अब पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने अभिनंदन यात्रा के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जनाधार खिसक रहा है, इसलिए बीजेपी से मुकाबला करने और जनता को डराने के लिए वह पूर्व नक्सलियों को पार्टी में शामिल कर रही हैं। दिलीप घोष ने कहा कि उत्तर बंगाल में बुआ भतीजे वाली पार्टी की कोई जगह नहीं है। बांकुरा में जाकर मारपीट कर चुनाव जीतने वाले माओवादी नेताओं को खोजा जा रहा है। जेल से रिहा कर नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीतना चाहती है। इसके अलावा दिलीप घोष ने यह भी कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं,
ना तो नक्सली और ना ही तृणमूल भाजपा को राज्य में आने से रोक पाएगी। आपको बता दें कि माओवादी समर्थित एक संगठन के पूर्व नेता छत्रधर महतो के जल्द ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। महतो माओवादियों के समर्थन वाले लालगढ़ आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके अच्छे आचरण के आधार पर उनकी उम्र कैद की सजा को कम करके 10 साल की कैद में बदल दिया था। फिर बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस महीने के शुरू में महतो को रिहा कर दिया था और हाल ही में टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने महतो से मुलाकात की थी और जल्द ही महतो के टीएमसी में शामिल होने की खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन जहां कांग्रेस के नेता ये सोचकर खुश हो रहे थे कि बीजेपी की हार हुई है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगातार दूसरी बार खाता खोलने में नाकामयाब रही। ऐसे में अब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनका गुस्सा पार्टी नेतृत्व पर निकल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और अब कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को रणनीति बदलने की सलाह दी है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रहे पीसी चाको पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली चुनाव परिणामों में कांग्रेस के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को नई सोच और नई रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। नई सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की कांग्रेस को सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपनी सोच और विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के सामने जाना होगा। इसके अलावा सिंधिया ने कहा कि अगर वे हमारे उद्देश्य हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में हमें जीत भी हासिल हुई है हमारे सहयोगी दलों के साथ, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली का जो परिणाम है वो बहुत निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में सिंधिया का निशाना सीधा गांधी परिवार पर माना जा रहा है क्योंकि सिंधिया पार्टी में नई सोच को लाने की मांग कर रहे हैं और गांधी परिवार कांग्रेस को अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है। पार्टी में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो गांधी परिवार का करीबी हो। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया के सुझाव को सोनिया गांधी और राहुल गांधी मानते हैं या नहीं, लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद ना हो ये असंभव जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।